हेलो एवरीवन, आज हम झींगा की सब्जी की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको लोग जीतिया में बनाकर खाते हैं। तो हम आधा किलो झींगा लिए हैं, इसको हम अच्छे से छील लेंगे। इसके बाद इसको धो लेंगे और पीस पीस में काट लेंगे। हम पुसी कराव का झोर का भी रेसिपी डाले हैं अपने वीडियो में, वो भी आप देख लें। जीतिया के दूसरे दिन बनता है। इसमें डालने के लिए हम प्याज को काट के रख लिए हैं और लहसुन को, और ये 5 फोरन और लाल मिर्च है, हम इसको भी लिए हैं। तो चलिए गैस पे हम कढ़ाई को रख दिए, उसमें हम सरसों का तेल ऐड कर दिए। गर्म हो जाने के बाद उसमें हम 5 फोरन को डाल दिए हैं, लहसुन को ऐड कर दिए हैं। लहसुन को हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें हम प्याज को ऐड कर दिए और इसे भी 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, कलर चेंज जैसे होगा इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे भी हम चला लेंगे। अब इसमें हम झींगा को ऐड कर देंगे, ये पीस पीस में हम काट के रख लिए थे। आप लंबा लंबा भी इसको काट सकते हैं, गोल गोल भी काट सकते हैं, आपको जैसा मन हो उस शेप पे काट सकते हैं। इसको हम मिला लिए हैं तेल में। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक इसमें थोड़ा कम ही ऐड करें, क्योंकि ये जितना देखने में है गल के इसका आधा हो जाएगा। और इसको हम ढक दिए हैं। अब आपको दिखाते हैं। देखिए झींगा में पानी का अंश होता है, तो वो पानी छोड़ दिया है, उसी से पूरा ये झींगा गल जाएगा। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको ढके नहीं, खुला छोड़ के इसको भून लें, ये बिल्कुल अच्छा से गल जाएगा। सारा पानी जब सूख जाए तो अब गैस को बंद कर दें। अब ये सब्जी रेडी हो गया है। हम इस सब्जी को बहुत कम मसाला के साथ बना रहे हैं, क्योंकि जीतिया के पहले नहाए खाए के दिन लोग खाते हैं, तो दूसरे दिन फास्ट रहता है, तो ज़्यादा हैवी मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए। इसीलिए हम इसको बहुत कम तेल मसाला के साथ बनाए हैं। अब इस सब्जी को बनाएं और ज़रूर खाएं।